यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने की बात शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा की ओर से कही गई है। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने। जो है इच्छावाद में 15 अगस्त के बाद हरियाणा का कोई विद्यालय कोई महाविद्यालय कोई छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा और कोई अध्यापक प्राध्यापक बिना छात्र के नहीं। तो 15 अगस्त के बाद कोई भी छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा और कोई भी अध्यापक प्राध्यापक बिना छात्र के नहीं रहेगा, यानी कि स्कूलों में जो छात्रों की उपस्थिति भी लगातार गिर रही है उसको लेकर भी कहा कि अब छात्र स्कूल जाएंगे और साथ ही कोई भी छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा, यानी शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा 15 अगस्त तक। ये बात शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने की है और हमने आपको सुनवाया क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो है कोई भी छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हम बात करेंगे हमारे साथ संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर है। स्वागत है आपका संजय शर्मा जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद अवंतिका जी। संजय शर्मा जी, रामबिलास शर्मा शिक्षा मंत्री हरियाणा के, वो कहते हैं कि 15 अगस्त के बाद कोई भी छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा, कैसे इस कमी को दूर करने वाली है सरकार? वैसे तो वंतिका जो हरियाणा के अंदर प्रति 25 अध्यापकों के एक अध्यापक है, 25 बच्चों के एक अध्यापक है और पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां हर विद्यालय में अनुपात के अनुसार अध्यापक उपलब्ध है, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वाइज नहीं कहीं पर स्कूल हमें उपलब्ध नहीं है। तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है कि जो भर्ती चल रही है या आदरणीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके आधार पर हम लगातार अगले 3-4 महीनों में सरकार की ओर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं और जहां पर अनुपात में कहीं एक दो अध्यापक ज्यादा भी है तो उसको रेशनलाइज करके उन विद्यालयों में भेज दिया जाएगा जहां अध्यापक नहीं है। ये सरकार की प्राथमिकता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। जी, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढुल भी फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका ढुल साहब खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। डोल साहब, आपने सुना संजय शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि जल्द ही जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसी समस्याएं हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो अध्यापक हैं वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हर बार जब नतीजे आते हैं 10वीं या 12वीं के तो सरकार घिरती है, कहा जाता है स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो नहीं मिलते हैं। देखिए, एक बड़ी खास बात है, शिक्षा मंत्री के बयान को लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी भी है उनको भी ये भर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, लगभग मेरे हिसाब से 10,000 ऐसी 8,000 या 9,000 ऐसी भर्तियां हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की अभी तक अटकी हुई है सिर्फ अध्यापकों की, चाहे वो PGT हो चाहे TGT हो, जबकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। उसके बाद इंग्लिश के कारण कुछ उन्होंने विड्रॉ की है जी। वैसे भी ये झूले मार रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति कर देंगे, तो गेस्ट पहले तो उनके उन्हें हल्की थी, आप वो लोग कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। अब TGT और PGT की एसोसिएशन ने कल से जो है पात्र अध्यापक ने कल से धरना शुरू किया है, उस धरने को खत्म करवाने का ये कार्य करें। इस प्रकार के कहां जुमले डाल रहे हैं, कुल 2 महीने के अंदर किस प्रकार से कमी को पूरा कर पाएंगे? रंजिता मेहता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। रंजिता जी, क्या आपको लगता है मुमकिन कि 2 महीने के अंदर जो 3 साल में नहीं हुआ कमियां लगातार स्कूलों के अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं वो अब 2 महीने में पूरी हो जाएंगी? अवंतिका, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कौन सी जादू की छड़ी है जो रामबिलास शर्मा जी चलाएंगे और 2 महीने के अंदर इस कमी को पूरा कर देंगे? और वाकई अगर 2 महीनों के अंदर ऐसी कमी पूरी हो सकती थी तो 4 साल से सरकार क्यों सो रही थी? आज जो रिजल्ट है 9वीं 10वीं के आपके सामने है कि आज रायपुरानी बहुत नजदीक है पंचकूला के, अगर उसकी एग्जाम्पल देती हूँ, 2 सालों में मात्र 1 बच्चा पास हुआ है क्लास से। तो ये हालात बताते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो झजर हालत में है। इन्होंने नया कोई काम करने की बजाय 720 स्कूल जो ऑलरेडी खुले हुए थे उनको बंद करने का काम किया है, और आज जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं जिनको एक पहले क्रम से पक्का करने की वादा करते थे उन पर लाठियां डंडे बरसा रहे हैं, और आज भी वो कहीं ना कहीं मांगों की कमियों चलते अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। तो रामबिलास शर्मा जी, किस बयान पर इनसे भरोसा किया जाए और किस बात पर भरोसा ना किया जाए? आज शिक्षा व्यवस्था जो पूरी हरियाणा की चरमराई हुई है,
हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, तो कौन सा कॉलेज आज खुला है, किस कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है, आप आंकड़ों पर बात कीजिए ना। सिर्फ सुर्खियां बखेरने के लिए कि आप बयान छोड़ देते हैं कि दो महीने में हम कमी को पूरा कर देंगे और दो महीने के बाद एक नया शिक्षा और लेके आ जाते हैं, इस तरीके से ना तो शिक्षा व्यवस्था से सुधार होगा। संजय शर्मा जी, जो काम अभी करीब 3.5 साल से ज्यादा समय में सरकार नहीं कर पाई वो दो महीने में कैसे कर लेंगे, यही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर, क्यों किस आधार पर इस तरह की बातें करते हैं। छाल को बोले तो बोले, छालने भी बोले कुछ सौ सौ छेद। अभी आपने हाई कोर्ट ने भी इनकी बनाई गई जो रेगुलर कर्मचारियों के लिए पॉलिसी थी वो भी रद्द कर दी है, क्योंकि भूटा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाकर एडहॉक और सेंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट भी अपने लोगों को भर्ती कर लिया और जाते जाते उनको रैंक कर गए 3 साल का वो दे के उनको। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम पिछले 4 साल के अंदर किया है, चाहे विद्यालयों के लिए किया हो चाहे उसके अंदर। सर सवाल फिर भी वही, आप सवाल से बच गए संजय शर्मा जी, सवाल से बच गए आप जी। मैं बता रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं विद्यालयों में उनके आधार पर अध्यापक हैं, ये बात करते हैं एडहॉक पोस्टों में गए। सर कई जगहों से संजय शर्मा जी, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहाँ पर एक स्कूल के अंदर एक ही अध्यापक होता है, कितने ही स्कूलों पर ताले बच्चे लगाते हैं, तो अध्यापकों की कमी है सर। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अध्यापकों की इतनी कमी नहीं है जैसे ये बता रहे हैं, सारी सेंक्शन पोस्ट के वहाँ 10 अध्यापकों की है और अभी वर्तमान में 8 अध्यापक है वहाँ, तो वहाँ 2 अध्यापक उपलब्ध करा दिए जाएंगे वहाँ के हिसाब से। सर कितने ही स्कूलों में रोज ताले लगते हैं, आप ही के सामने आपके संज्ञान में जरूर ये चीजें आती होंगी, कितने ही स्कूलों पर ताले जो है लगभग रोज तस्वीरें आती हैं, हम दिखाते हैं। बहुत विद्यालयों में नहीं, वो कहीं कहीं एक इक्का दुक्का कहीं हो गया हो तो मैं मना नहीं करता, लेकिन ये कह देना की सर इक्का दुक्का में अगर है तो रिजल्ट फिर भी हरियाणा का नहीं आता है, ये तो मानिएगा आप। रविंद्र साहब, अगर विज्ञापन देते हैं तो 2 महीने का समय तो कम से कम विज्ञापन के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद में ऐसे में 2 महीने में ये भर्तियां कैसे हो जाएंगी पूरी? नहीं कर सकते, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि स्क्रूटनी पेंडिंग है कम से कम 10 अलग अलग सब्जेक्ट की, तो इनकी और 1.25 साल से लोग रोड के ऊपर है, तब तक ये केवल डॉक्यूमेंट तक चेक नहीं कर पाए हैं। और इंग्लिश की तो अभी इन्होंने पिछले महीने विड्रॉ की है हाईकोर्ट से फटकार के बाद में कि आपने गैर कानूनी ढंग से एडवर्टीजमेंट कर रखी थी, एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करके, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है इंग्लिश है या हिंदी है, जब इन्हीं की ये नहीं कर पाएंगे तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनकी तो कहां दूर की बात है। और दूसरी बात, संजय शर्मा जी कह रहे हैं हमारे पास में भी अध्यापकों की कमी नहीं है, यदि नहीं है तो शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं कि अध्यापकों की कमी है और हम उसको पूरा कर देंगे? अभी नहीं, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। आप जो बात कह रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जितनी सेंक्शन पोस्ट है सबके लिए अध्यापकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक विद्यालय में जितने अध्यापकों की जरूरत है लगभग उसमें पूरे हैं। सर सभी सब्जेक्ट के लिए तो अध्यापक चाहिए होंगे ना, सब्जेक्ट के लिए तो अध्यापक चाहिए ही होंगे ना, अगर सब्जेक्ट लगाया गया है तो उसके लिए अध्यापक तो चाहिए ही चाहिए। संजय शर्मा जी, रंजिता जी, आपकी बात आपकी तरफ से, तो आपके इस बार 48.85% बच्चे फेल हुए हैं, ये आंकड़ा शर्मनाक आंकड़ा है, अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी सरकार के समय का आंकड़ा बताऊं क्या? सर अपनी सरकार, आपकी सरकार में जो रिजल्ट आता था वो रिजल्ट 50% से नीचे आता था, पत्थर ना फेंके तो बेहतर है। एक तिहाई, संजय शर्मा जी, अगर अध्यापकों की इतनी कमी नहीं है, संजय शर्मा जी सवाल वही कि अगर अध्यापकों की इतनी कमी नहीं है तो फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, संजय शर्मा जी, रंजिता मेहता जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। तो हालांकि अभी शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा की ओर से कहा गया है कि अध्यापकों की जो कमी है उसे 15 अगस्त तक दूर कर दिया जाएगा, 15 अगस्त के बाद में कहीं भी अध्यापकों की कमी की समस्या नहीं आएगी। देखना होगा किस तरह से यह समस्या जो है सरकार की ओर से दूर की जाती है।